welcome to all students of the msc second year we are going to complete our syllabus within a three or the four lectures the topics which are remaining is uh, nothing but the nuclear models before that i would like to finish the meson theory of exchange forces now in that meson theory of exchange forces first of all we are just understood about the attractive forces of the two particles which is regarded as the exchange of an attractive properties these exchanged attractive property between the 2 protons is an electron for the h2 plus electron for the that is h2 plus so in that molecules as well as their electric field for the coulomb forces which is in between the charges what i say first of all i explain against so one of these topic now what i say ये जो मेज़ोन थीरी है एक्सचेंज फोर्सेस की इसको समझने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं दो पार्टिकल्स के भीतर के एक तो उनके अंदर जो एक्सचेंज होती है उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है सिमिलरली जो एक्सचेंज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है दो प्रोटॉन्स के बीच के माना कि हम लोग दो पार्टिकल्स ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो दो पार्टिकल्स के भीतर दो प्रोटॉन्स आएंगे तो ये दो प्रोटॉन्स हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है हम लोग कितने पार्टिकल्स ले रहे हैं दो पार्टिकल्स इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एच टू प्लस ले सकते हैं ऑब्वियसली ले सकते हैं तो इसके अंदर जो भी चार्जेस होंगे वो चार्जेस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग कोलम फोर्स प्रोड्यूस करेंगे ये तो हमें सिंपल सी बात पता है कि चार्जेस कोलम फोर्स प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर से तो ये जो मेजोन थीरी है जो कि एक्सचेंज फोर्सेस के रिलेटेड इसके पहले हम लोगों ने एक्सचेंज फोर्सेस देखे हैं बहुत अच्छी तरह से अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो सिमिलरली इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं दो न्यूक्लियर फील्ड के सराउंडिंग जो दो न्यूक्लियंस है दो पार्टिकल्स के इसके अंदर सबसे पहले जो उसका अप्लीकेशन आएगा क्वांटम मैकेनिक्स का वो क्या करेगा कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है दो पार्टिकल्स के सराउंडिंग की उस पार्टिकल्स को लीड करेगा क्या करेगा उसको लीड करेगा किस लिए लीड करेगा कि वो लीड करके क्या कंक्लूजन देगा आपको जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है दो पार्टिकल्स के भीतर का वो एग्जर्टेड होगा क्या होगा वो एग्जर्टेड होगा वो ट्रांसफ़र होगा किसके अंदर ट्रांसफर होगा फोटोन के अंदर मतलब ये जो आप रेफर्ड कर रहे हो दो पार्टिकल्स को जो कि उसकी फील्ड पार्टिकल्स है उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होगी जो कि उस पार्टिकल्स को चेंज करेगी उसके बॉडी को चेंज करेगी अब इसको और अच्छी तरह से समझना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल सी बात यहां पे मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया कि दो न्यू दो पार्टिकल्स ले लिए हम लोगों ने कितने पार्टिकल्स लिए यहां पे दो पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू दो प्रोटॉन्स है उसके बराबर है दो पार्टिकल्स है दो प्रोटॉन्स है इन दो पार्टिकल्स के भीतर एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है एक इलेक्ट्रिक चार्ज और ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है ये ये आ रहा है आपका कुलम फोर्स से आ रहा है कहाँ से आ रहा है कुलम फोर्स से आ रहा है मतलब जो न्यूक्लियर फील्ड है इस न्यूक्लियॉन्स के सराउंडिंग की जो न्यूक्लियर एक सेकंड जो न्यूक्लियर फील्ड है किसके सराउंडिंग की इस न्यूक्लियॉन्स के सराउंडिंग की सराउंडिंग किसकी सराउंडिंग इस न्यूक्लियंस के सराउंडिंग बराबर है वो क्या है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है क्या हो रही है यहां पे इंट्रोड्यूस हो रही किस वजह से इस कूलम चार्ज की वजह से इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से तो जो एप्लीकेशंस है क्वांटम मैकेनिक्स का जो कि हमें बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर सराउंडिंग में होती है चार्ज्ड पार्टिकल्स के तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रिक क्ट्रिक फोर्स को एग्जर्ट करती है इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करती है वो एग्जर्ट करती है और वो ट्रांसफर करेगी फोटोन को किसको करेगी ट्रांसफर वो फोटोन को ट्रांसफर करेगी ठीक है अब ये जो है ये मेजोन थ्री इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सबसे पहले इसको बताया गया था युकावा थ्रू इन 1935 को युकावा थीरी भी कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है युकावा थेरी ऑफ मेजॉन्स भी कहा जाता है ठीक है तो इसके अंदर क्या कहा था यूकावा ने ये एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है हम लोगों ने देखा था इंटरैक्शनस के कुछ टाइप्स देखे थे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वीक इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक तो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन्स होता है यूकावा के थ्रू यूकावा क्या बता रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है न्यूक्लियॉन्स के बिटवीन किसके बिटवीं न्यूक्लियंस के बिट्वींस होता है तो वो सिमिलर मैनर में होता है उसके पोस्टुलेट के लेके मतलब जो उसकी उसकी जो अप्रोप्रिएट फील्ड है पार्टिकल की वो रेस्ट मास से डिफरेंट होती है किससे डिफरेंट होती है रेस्ट मास से डिफरेंट होती है मतलब रेस्ट मास से डिफरेंट फ्रॉम जीरो ये तो बात सिंपल है तो ये जो रेंज है न्यूक्लियर फोर्स की ये हमें पता है कि न्यूक्लियर रेंज जो होती है वो डिपेंड करती है आपके फोर्स के रिलेटेड मतलब आप इसको रेंज ऑफ फोर्स भी कह सकते हो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं आप हम लोग इसको नोट्स के थ्रू समझेंगे इजी जाएगा हमें देखते हैं इसको नोट्स के थ्रू अब ये जो रेंज है ये रेंज के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स है ये किसके रिलेटेड होता है ये होता है मास के रिलेटेड किसके रिलेटेड होता है मास के रिलेटेड ये कौन कह रहा है सब ये युकावा के थ्रू बता रहा है हमें तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो थीरी है मेजोन की ये कहती है पाए मेजोन इसको क्या कहा जाता है पाए मेजोन थीरी भी कहा जाता है अब इसको और डीपली समझते हैं टू शो दैट द रेंज ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू द मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल अज्यूम दैट This meson is contained uh, virtually in a proton, virtually in a proton. That is why it is called as the pi mesons. So, in that, so first of all, we take the time, take the time, how, how time longer which is uh, gives the uncertainty principle. It is nothing but the del sorry h cross divided by del. ई e. और ये डेल ई e क्या है हमारा ये है चेंज इन एनर्जी जो कि आती है हमारी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ पाई इंटू सी स्क्वायर माइनस एम पी सी स्क्वायर इट इज़ नथिंग बट दी स्क्वायर को रिगार्डिंग ये लोग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ये प्लस वाला ये माइनस वाला यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये क्या बचेगा एम पाई सी स्क्वायर इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो ये था हमारा सिंपल डेल ई इज इक्वल टू एम पी प्लस एम पाई इन सी स्क्वायर माइनस एम पी सी स्क्वायर ठीक है इसको पहले सॉल्व कर लो एम पी सी स्क्वायर प्लस एम पाई सी स्क्वायर माइनस एम पी सी स्क्वायर ये माइनस ये प्लस प्लस कैंसिल हो गया तो डेल ई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा एम पाई सी स्क्वायर आएगा क्या आएगा एम पाई सी स्क्वायर आएगा तो ये जो मेजोन थीरी है इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था अभी अभी कि ये जो वर्चुअल वर्चुअली जो प्रोटोन है मतलब जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं ये वर्चुअल पार्टिकल क्या करते हैं ट्रैवल्स करते हैं जो मेजोन्स के जो पार्टिकल्स है कौन से वाले दैट इज़ वर्चुअल पार्टिकल्स ये वर्चुअल पार्टिकल्स क्या करते हैं ट्रैवल्स करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट बराबर है light, ये तो हमें पता ही है कि जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट ये यह यहाँ पे देख लो इसको ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ट्रेवल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्री जो आपकी फील्ड पार्टिकल्स है जो भी फील्ड पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगे क्या करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगे क्यों क्योंकि वो उनकी वेलोसिटी क्या है सी वेलोसिटी है उनकी वेलोसिटी क्या है सी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ लाइट है सो दैट इज़ नथिंग बट दी सिंपल कि ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग पार्टिकल ट्रैवल करते हैं मींस वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करते हैं जो एक्सचेंज फोर्स उसका हम लोग देंगे वो होगा आर इज इक्वल टू सी इनटू टी सी इनटू टी अब ये e हो गया उसका पावर हो गया पूरा ठीक है अब अगली बात जब हम इसको करेंगे जो न्यूक्लियर डायमेंशन है ये जो न्यूक्लियर डायमेंशन है वो न्यूक्लियर डायमेंशन युकावा के थ्रू जो बताई गई है कि वो है अब युकावा अज्यूम्ड क्या कहते हैं इसको कि जो रेंज ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं जो न्यूक्लियन फोर्स की जो भी रेंज है और जो फील्ड पार्टिकल की रेंज है वो नियर अबाउट है टू ए इंटू टेन टू दावर माइनस फिफ्टीन मीटर मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी एम पाई रफली टू हंड्रेड टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके टू हंड्रेड टाइम्स मैक्सिमम आएगी मतलब कि जो दो दो ईयर एर, टू ईयर्स आफ्टर द युकावा थेरी दो आफ्टर युकावा थेरी के दो साल बाद हमें यह पता चला कि जो पार्टिकल का मास है वो है 200 हंड्रेड एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एम पाए का किसका एम पाए का मास ऑफ पाए का कितना है टू हंड्रेड टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और ये किसकी वजह से डिस्कवर्ड हो गया ये डिस्कवर्ड हो गया कॉस्मिक रेडिएशन्स की वजह से किसके वजह से कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से और ये जो वर्टिकल वर्चुअल पार्टिकल है इस वर्चुअल पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया मेजॉन्स नाम दिया क्या नाम दिया उसको मेजॉन्स नाम दिया तो ये था आपका मेजॉन्स का जस्ट इंट्रोडक्शन लेकिन इसके बाद क्या आता है कि बहुत बार ये जो डिफरेंट मेजॉन्स है क्योंकि से मेज़ोन्स नहीं है मेजोन्स पार्टिकल बहुत सारे है जो कि हम लोगों को स्टडी करनी है बहुत सारे यानी अनगिनत नहीं है चार पांच जो भी है वो तो जो सेवरल डिफरेंट मेजोन्स है उसके ऊपर का चार्ज भी डिफरेंट है बराबर है उसके ऊपर का मास भी डिफरेंस है तो इसके अकॉर्डिंग उसको डिस्कवर्ड किया गया और जब ये युकावा पार्टिकल्स को डिस्कवर्ड किया गया तो उसके अंदर जो म्यू मेजॉन्स है वो म्यू मेजोन्स नहीं थे बट इसके पेरेंट्स पार्टिकल थे जो कि हम लोगों ने उसको नाम दिया था पाए मेजॉन्स अब ये जो पाए मेजॉन्स है इसको हम लोग पायोन्स कहेंगे क्या कहेंगे इसको पायोन्स कहेंगे अब ये जो पायस है एक तो ये पॉजिटिव होते हैं या दर दर निगेटिव होते हैं या तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है वो न्यूट्रल होते हैं कैसे होते हैं न्यूट्रल होते हैं लेकिन इसका जो मास है ये मास 270 270 टाइम्स ऑफ दैट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट द इलेक्ट्रॉन्स और जो इसका इंटरेक्ट है वो मैटर के साथ का सबसे फास्ट है रैपिडली इंटरेक्ट होते हैं ये कैसे इंटरेक्ट होते हैं रैपिडली इंटरेक्ट होते हैं ठीक है अब ये जो रैपिडली इंटरेक्ट होते हैं मतलब उसका जो न्यूक्लियन का जो फोर्स है उसकी जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी जो उसकी स्पिन की क्वालिटी होगी या उसकी पैरिटी होगी वो भी अच्छी होगी मतलब जो भी अट्रैक्शन निकल के आएगा दो न्यूक्लियंस के बीच का वो क्या होगा राइजेस होगा जब आप ट्रांसफर करेंगे पाए नॉट मेजॉन को बराबर है न्यूक्लियॉन्स टू ऑदर्स से मतलब जो ये प्रोटॉन्स है या जो न्यूट्रॉन्स है इन दोनों का जो फोर्स आएगा वो फोर्स का जो रिजल्ट होगा वो ट्रांसफर होगा पाए मेजॉन्स के थ्रू किसके थ्रू होगा पाए मेजॉन्स के थ्रू या उसके बाद में लेटर ऑन दैट इज ऑन दी पाए माइनस मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन अपोजिट हो गया देखो यहां पे आप लोगों को समझ में आएगा ये वाला या ये वाला p इज इक्वल टू पी प्लस पी नॉट सिमिलरली पी नॉट एन एन नॉट और पी टू एन होगा या एन टू पी होगा मतलब ये प्लस और माइनस और सिमिलरली आपको यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करके बताया गया है ठीक है अब ये जो ये जो रिप्रेजेंटेटर है उसके ऑपरेटर्स के ये पी हो गया पी हो गया या पी हो गया ये उसके रिप्रेजेंटेटर है और उसको हम लोगों ने क्लेन के जी के थ्रू इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की गई है और ये जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशन सिंपल है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डो टू साई बाई डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर मतलब अब ये जो पूरा इक्वेशन है ये इट इज़ नॉट मैंडेटरी वॉज हियर हम लोगों को यहाँ तक भी हम लोग सॉल्व कर लेते तो ठीक है लेकिन ये आपके एक्स्ट्रा के लिए मैंने यहाँ पे दिया है इसको अगर जस्ट आप लोग ओवर लुक भी कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वैल्यूज़ हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखी है ये पूरा का पूरा लेक्चर्स हम लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है तो ये यहाँ तक का सिर्फ हमें इम्पोर्टेंट है ये था हमारा मेज़ोन थीरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ फोर्सेस सो सगइ इट इज़ ऑल अबाउट दी मेज़ॉन थेरी ऑफ एक्शन फोर्सेस अब हमारे सिर्फ तीन आर्टिकल्स बाकी है इसके अंदर के एक तो कलेक्टिव मॉडल्स होगा लिक्विड ड्रॉप मॉडल होगा और गैस मॉडल होगा सो गाइज़ आई थिंक ये थोड़ा सा लिटिल बिट ईजी है आप लोगों को समझ में आया होगा इसके ऊपर पाए अमेज़ॉन्स को लेके आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी जिससे आपको एक्सप्लेन करने में ईजी जाएगा सो गाइज़ थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे